हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फाइनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बड़ी आलू की सब्जी। काफ़ी जगह पर इसको मिथोरी भी बोला जाता है और ये मूंग की या उड़द की दाल से बनाई जाती हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने ये एक कटा हुआ प्याज लिया है, यहाँ एक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा अदरक और कुछ लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 मैंने सूखी लाल मिर्च ली है और ये मैंने लिया है सूखा खड़ा धनिया। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक मिक्सी के जार में डाल दूंगी। हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो मैं सारी चीज़ें मैंने जार में ऐड कर दी हैं और ये मैंने मसाले को अच्छे से पीस लिया है। अब मैंने ये कुकर में 1 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है और जो हमारी बढ़िया थी उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मैं इसको ब्राउन होने तक इसको फ्राई करूंगी। तो देखिए, मैंने सारी बढ़ियों को फ्राई कर लिया है और इसी तरह से हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। तो एक आलू लिया है मैंने, जिसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है और आलू भी मेरे हो गए हैं अब फ्राई। तो अब उसी कुकर में मैं 1 चम्मच जीरा ऐड कर दूंगी और जीरा जैसे ही भुन जाता है मैं उसमें वो पेस्ट ऐड कर दूंगी जो अभी हमने पीसा था। तो मसाले को अच्छे से भून लूंगी और मैं यहाँ पे डाल दूंगी ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो हमें इसमें और कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पीसते वक्त इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए थे। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये फ्राई किए हुए आलू और बढ़िया और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये 1.5 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करें। अब थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 से 1.5 गिलास पानी। आप पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा रखें क्योंकि बढ़िया जो है वो पानी को सोख लेती हैं। तो अब मैं इसमें दे दूंगी 3 सीटियाँ और 3 सीटी लगने के बाद मेरी सब्जी हो गई है एकदम रेडी। यहाँ पे आलू भी एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और बढ़िया भी एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।